वीकेंड के वार में करण जौहर ईशा मालविया पर काफी भड़के हैं, जैसे कि आपको बताया था कल भी प्रोमो सामने आए थे। और एक चीज जो कि मुझे काफी ज्यादा बुरी लगी थी वो ये थी कि मुनावर और आयशा का जो भी पर्सनल चीज है वो आमने सामने बैठ करके अकेले में उस चीज को सुलटा लेंगे। लोग घर में जो घर वाले वो इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं कि नहीं हमको भी आना है, हमको भी सुनना है, तुम होते कौन है। अब इसी को लेकर के ईशा की क्लास लगी है, लेकिन ईशा की क्यों क्लास लगी है, सबकी क्लास लगनी चाहिए थी ना। इसमें सभी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि हमको भी आना है, विक्की भैया कह रहे थे जाओ 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 अंदर जाओ बैठो जा करके, तो सभी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे ना। सब लोग ऐसे इंटरेस्ट दिखा रहे थे जैसे कि उनके घर का मैटर है और उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर ईशा की क्लास लगी है और ईशा की जो क्लास लगी है बोला है कि अगर आप मुनावर की बातें पब्लिक फोरम में होनी चाहिए तो फिर ईशा की जो बातें हैं वो भी सभी के सामने आनी चाहिए। तो ईशा मना करती है कि नहीं सर मैं डिस्कस नहीं करना चाहती उस बारे में। और फिर आता है गुस्सा करण जौहर को कि भैया आप अपनी जो बातें हैं ना वो पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहती है लेकिन दूसरे पर कीचड़ उछालना चाहती है, ये तो फिर आपका डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये आपका डबल स्टैंडर्ड ही है। इस तरीके से ईशा मालविया की क्लास लगाई जाती है। फिर हाँ डबल स्टैंडर्ड है क्योंकि यहाँ पर ईशा मालविया के पापा ने भी कुछ बातें बोली, जैसे कि समर्थ भी एक उसी वे से आए थे, उनको भी नेम फेम चाहिए था, सेम आयशा की तरीके वो भी आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईशा को समझना तो चाहिए कि मैं सेम सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ और कोई बंदा अगर उसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा दूध के धुले हो। फिलहाल क्या कहना है, करण जौहर ने जिस तरीके से क्लास लगाई है उस पर आपका ओपिनियन क्या है। थैंक यू।